जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। बड़ी खबर आ रही है इस समय, कमलेश तिवारी हत्याकांड लखनऊ का, उसके आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गुजरात राजस्थान बॉर्डर से दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक लगातार पुलिस कई जगह पर दबिश दे रही थी। एटीएस ने अशफाक और मोइनुद्दीन नाम के इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों के ऊपर पुलिस ने इनाम का ऐलान भी किया था। आज इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। गुजरात राजस्थान बॉर्डर से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अशफाक और मोइनुद्दीन दोनों गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें, इसके पहले आज ही दिन में एक मौलाना को भी हिरासत में लिया गया था। साथ ही गुजरात से इस मामले के तार पहले ही दिन से जुड़े हुए थे, जहां से तीन बड़ी गिरफ्तारियां पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कर ली थी। उन तीनों आरोपियों को यूपी पुलिस के हवाले किया ही गया था कि अब दोनों मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कमलेश तिवारी हत्याकांड, आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले लखनऊ में हिंदू सभा पार्टी के हिंदू समाज सभा पार्टी के कमलेश तिवारी के दफ्तर में ही दो लोगों ने गला रेतकर उनकी हत्या कर दी थी। यूपी पुलिस के मुताबिक 2015 में दिए गए कमलेश तिवारी के एक बयान से ये लोग नाराज थे और उसी बयान की वजह से इन्होंने कमलेश तिवारी की हत्या की थी। गोपी घांगर हमारी सहयोगी इस समय और जानकारी लेकर फोन लाइन पर मौजूद है। गोपी बताइए, क्या जानकारी आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं रोहित कि गुजरात एटीएस की ये सबसे बड़ी कामयाबी हम कहेंगे, क्योंकि इससे पहले गुजरात पुलिस के गुजरात एटीएस के जरिए तीन लोगों को सूरत से 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। और अब जो दो प्रमुख आरोपी है जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया था, वो दोनों ही आरोपी को गुजरात एटीएस के जरिए गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरात एटीएस के हेडक्वार्टर पर ये दोनों आरोपी गिरफ्तार है, जो हमने सीसीटीवी में दो ऑरेंज कलर के कुर्ते पहने जो दो शख्स देखे थे, वही अशफाक और मोइनुद्दीन, ये दोनों की गिरफ्तारी गुजरात एटीएस के जरिए कर दी गई है। और ये दोनों ही वही आरोपी हैं जिन्होंने कमलेश तिवारी की हत्या को अंजाम दिया था। फिलहाल जो गुजरात एटीएस के जरिए कहा गया है वो यही कहा गया है कि दोनों ने अपना क्राइम कबूल कर लिया है। दोनों ने ही ये कहा है कि हाँ, उन्होंने हत्या को अंजाम दिया है। और ये दोनों साथ ही जो गुजरात पुलिस ने इन दोनों को कई जगह पर ट्रैप किया था, कहीं ना कहीं गुजरात एटीएस को ये लग रहा था कि ये लोग नेपाल भाग जाएंगे, जिसकी वजह से गुजरात एटीएस की एक टीम नेपाल की ओर भी थी और एक टीम गुजरात बॉर्डर की ओर भी थी। ये दोनों आरोपियों को आज दोपहर के वक्त में गुजरात एटीएस की टीम ने अहमदाबाद गुजरात राजस्थान की बॉर्डर श्यामला जी के पास से गिरफ्तार किया है। रोहित, गुजरात एटीएस ये कह रही है कि उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। यूपी पुलिस ने इस मामले में एक थ्योरी दी थी कि क्यों इन लोगों ने हत्या की, क्या गुजरात एटीएस उस थ्योरी की पुष्टि कर रही है? जी बिल्कुल रोहित, जो पहली इंट्रोगेशन हुई थी तीन आरोपी की, जो सूरत से गिरफ्तार किए गए थे गुजरात एटीएस के जरिए, जिसे बाद में यूपी पुलिस को हैंडओवर दे दिया गया, और ये तीनों ने भी वही बात कही थी कि 2015 में जिस तरीके से धर्म को लेकर जो बयान कमलेश तिवारी की जरिए दिया गया था, उसी से वो काफी आहत थे और तभी से ये लोग प्लानिंग कर रहे थे। हालांकि जो रशीद है वो दुबई से आया है, 2 महीने पहले ही उसको दुबई से गुजरात पड़ा था और 2 महीने के भीतर ही ये पूरी प्लानिंग बना दी गई। लेकिन जिस तरीके से हमारे पास अशफाक के एविडेंस आए हैं जिसने कमलेश तिवारी की हत्या को अंजाम दिया है, उसका जो फर्जी आधार कार्ड आया है रोहित सोलंकी नाम से, वो उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट बनाया था, वो कमलेश तिवारी के संपर्क में रोहित सोलंकी के नाम से आया, कहीं ना कहीं एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से गुजरात एटीएस ये कह रही है और ये दावा कर रही है कि दोनों ने ही हत्या को अंजाम दिया है और दोनों ने ही अपना जुर्म जो है उसे कबूल कर लिया है। वापस आते हैं आपके पास गोपी, आप रहिएगा हमारे साथ और जानकारी के लिए। हमारे साथ अभिषेक भी आ गए हैं, कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी लखनऊ से फोन लाइन पर आ रहे हैं। कुमार अभिषेक, लगातार यूपी की पुलिस जगह जगह दबिश दे रही थी, ढूंढ रही थी, लेकिन कामयाबी इस मामले में गुजरात एटीएस को मिली, जो शुरू से ही इस मामले में फ्रंट फुट पर रही है और सारे खुलासे गुजरात एटीएस की तरफ से हुए हैं सबसे पहले।
बिल्कुल रोहित, देखिए ये एक गुजरात पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता कहिए और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए शर्मिंदगी की वजह हो सकती है। आप याद करें, दो दिन पहले डीजीपी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस केस को क्रैक करने की बात कही थी और साथ साथ कहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस की बड़ी सफलता है, लेकिन दो तीन दिनों से लगातार छापेमारी में उत्तर प्रदेश पुलिस को कई जगह सीसीटीवी मिले, कई जगह उनके फुटप्रिंट्स मिले। कहा यह जा रहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने नेपाल की तरफ जाते हुए जो ये कातिल हैं इनकी तरफ इशारा कर रहे थे, चाहे पीलीभीत हो, चाहे बरेली हो, शाहजहांपुर हो, ऐसी जगहों पर ये सीसीटीवी इनके देखे गए थे। तो पूरी उम्मीद और जो सोर्सेज से हमें बताया जा रहा था उसके मुताबिक ये नेपाल की तरफ भाग सकते थे, लेकिन जिस तरीके से गुजरात पुलिस और एटीएस ने आज प्रेस नोट जारी किया है और उनको पकड़ने का दावा किया है राजस्थान से, तो साफ तौर पर ये जो श्रेय है ये इस वक्त गुजरात पुलिस को जाता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन बड़ी सफलता जरूर मिली है। जी बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि बड़ी सफलता मिली है गुजरात पुलिस को, गुजरात एटीएस ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। और खासतौर पर अभिषेक, जो दावा किया गया था कि होटल से खून से सने कुर्ते बरामद कर लिए गए, वो हथियार बरामद कर लिया गया, चाकू जिससे गला काटा गया था, अगर वाकई ऐसा है तो इनके डीएनए मिलान में या फिर फिंगरप्रिंट्स मिलान में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, जांच एजेंसियों को इस मामले में कम से कम फुल प्रूफ होना चाहिए। बिल्कुल, जो जांच शुरू से जिस तरफ बढ़ रहा था दरअसल आखिर में भी वहीं तक पहुंचा है। जिस तरह के फोरेंसिक चीजें निकल करके आई हैं, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो हथियार हों, चाहे वो चाकू मिले हों, पुलिस को जितनी भी चीजें अभी तक मिली हैं वो पूरी की पूरी सजेस्ट कर रही हैं कि ये मामला लगभग पूरी तरीके से क्रैक हो चुका है। दोनों लोगों ने अपने गुनाह भी कबूल कर लिए हैं। जिस तरीके से सीसीटीवी के फुटेज इनको जगह जगह मिले हैं वो तमाम चीजें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि इस मामले में जो मुख्य आरोपी थे वो तो पकड़े ही गए, साथ साथ जो कई लोग चारों तरफ से जो पकड़े गए हैं, चाहे वो बरेली से पकड़ा गया मौलाना हो या फिर नागपुर से पकड़ा गया हो या फिर जो लोग सूरत से पकड़े गए हो, तो ये जो कोरैबोरेटिव एविडेंस है वो पूरी तरीके से इस वक्त यूपी पुलिस और गुजरात पुलिस के पास है। ऐसे में इनका बचना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एक सवाल जरूर रहेगा कि अभी तक कोई भी बड़ा मॉड्यूल सामने नहीं आया, किसी ने इसकी कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, तो सवाल सिर्फ यही रहेगा क्या ये सेल्फ रेडिकलाइज्ड ग्रुप था जिसने इसे अंजाम दिया, या कोई ऐसा कोई मॉड्यूल था, चाहे आईएसआई का मॉड्यूल हो या यहाँ का स्लीपर सेल हो, आखिर किसने इस पूरे इसको कोऑर्डिनेट करके अंजाम दिया, ये एक बड़ा सवाल है जिसका खुलासा होना बाकी है। जी बिल्कुल, लेकिन जो बातें अभी तक पुलिस की जांच में सामने आई हैं, परिवार ने उस पर सवाल उठाए, उनकी माँ को ही इस बात का यकीन नहीं है, वो तो पहले दिन से कह रही है कि किसी को भी पकड़ के खड़ा कर दिया। नहीं, उनकी माँ भावनात्मक रूप से टूट चुकी थी और उनकी माँ ने जो भी बातें कही हैं वो एक भावना में कही हुई बात है, फैक्ट से शायद इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये दोनों आरोपी कमलेश तिवारी मर्डर केस के वांटेड एक्यूज्ड थे और यह अभी गुजरात एंटर करने वाले थे, उसी समय शामड़ा जी के पास गुजरात एटीएस को मिली इंफॉर्मेशन के आधार पे इन दोनों का अरेस्ट किया। कितनी बड़ी चुनौती थी इन दोनों आरोपियों को पकड़ने की? गुजरात एटीएस और उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों इस काम में लगी हुई थी और ये दोनों आरोपी सूरत के रहने वाले थे, इसलिए गुजरात एटीएस भी इसमें मदद में पूरी प्रयत्न कर रही थी और इंफॉर्मेशन मिलते ही तुरंत मूवमेंट किया गया और सामड़ा जी के पास से दोनों को टीमें कई जगह थी, दिल्ली, बरेली, शाहजहांपुर और चंडीगढ़, अंबाला, लेकिन जब इंफॉर्मेशन मिली कि वो इस तरफ आ रहा है तो सारे जो कार्रवाई है वो गुजरात में कंसंट्रेट की गई और सफलता। आगे की कार्रवाई आरोपियों को लेकर क्या होगी? अभी इसके बाद अभी इन आरोपियों के साथ जो लीगल प्रोसीजर है अरेस्ट का वो करके उत्तर प्रदेश पुलिस जिनके पास ये इन्वेस्टिगेशन है उनको सौंपा जाएगा। सर गुजरात क्यों आ रहे थे? फैमिली में किससे मिलने वाले थे? किसी को कांटेक्ट किया था? इंग्लिश में मनुष्य की नतिया बनो होता है जिंग्लिश सर एक सवाल पठान की धरपकड़ करने में सफलता पाई है। ये दोनों आरोपी कमलेश तिवारी मर्डर केस के वांटेड एक्यूज्ड थे
और यह अभी गुजरात एंटर करने वाले थे, उसी समय शामड़ा जी के पास गुजरात एटीएस को मिली इंफॉर्मेशन के आधार पे इन दोनों का अरेस्ट किया। कितनी बड़ी चुनौती थी इन दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए? गुजरात एटीएस और उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों इस काम में लगी हुई थी और ये दोनों आरोपी सूरत के रहने वाले थे, इसलिए गुजरात एटीएस भी इसमें मदद में पूरी प्रयत्न कर रही थी और इंफॉर्मेशन मिलते ही तुरंत मूवमेंट किया गया और शामड़ा जी के पास से दोनों को टीमें कई जगह थी, दिल्ली, बरेली, शाहजहांपुर और चंडीगढ़, अम्बाला, लेकिन जब इंफॉर्मेशन मिली कि वो इस तरफ आ रहा है तो सारे जो कार्रवाई है वो गुजरात। तो सुना आपने, गुजरात एटीएस जानकारी दे रही है कि किस तरीके से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई। राजस्थान से गुजरात में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, ताक में थे और पुलिस लगातार ट्रैक कर रही थी इनको। एटीएस ने तब इनको गिरफ्तार किया जब ये राजस्थान से गुजरात में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे।